छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और सूरजपुर में आईटीआई भवन में प्रेमनगर भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा में डाले गए वोटों की गिनती होगी। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी यहां पूरी कर ली है। मतगणना स्थल पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मॉक एक्सरसाइज की गई और इस दौरान निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल और एसपीआई के आईके एलिसेला मौजूद रहे। 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीन दिसंबर को होने वाले मतगणना को अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुकी है, चाहे वो टेबल की बात करें या सुरक्षा व्यवस्था की बात करें। हमारे साथ मौजूद है जिले के निर्वाचन अधिकारी, उनसे हम चर्चा करते हैं क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई। भारत निर्वाचन आयोग के जो मापदंड बने हुए हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएँ मतगणना के हिसाब से कर लिया है। मुझे लगता है काउंटिंग जो भारत निर्वाचन आयोग के मापदंड है उस मापदंड के अनुरूप बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट होगा। काउंटिंग की बात करें तो कितने टेबल होंगे, कितने लोग होंगे और कितने राउंड में गिनती होगी? तीनों विधानसभा में हम लोगों ने 14-14 टेबल की व्यवस्था की है और पोस्टल बैलेट पेपर के लिए 3 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की है। तो लगभग 100 से 120 लोग हर एक विधानसभा के लिए जो है ड्यूटी लगाई गई है और प्रेमनगर में 20 राउंड में काउंटिंग कंप्लीट होगी और बाकी दोनों विधानसभा में 22-22 राउंड में काउंटिंग कंप्लीट होगी। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी, इनके अनुसार पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली है। कल अब ये देखने वाली होगी किस प्रकार मतगणना हो पाती है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।